उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने प्रदेश सरकार से चारधाम यात्रा में यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 100% क्षमता पर वाहनों के संचालन करने की मांग की है। चारधाम यात्रा बस टर्मिनल कंपाउंड में महासंघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न परिवहन संस्थान के प्रतिनिधियों ने आगामी चारधाम यात्रा और कोरोना की वर्तमान स्थिति पे चर्चा की। गत वर्ष की भांति जो कोरोना काल है वो इस वर्ष भी पूरे चरम पर है। पिछले साल तो यात्रा हमारी संचालित नहीं हो पाई, लेकिन किसी कारणवश मतलब हमारा जो परिवहन व्यवसाय है फिर भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया। लोगों के पास जमा पूंजी थी उससे उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन इस वक्त वही यात्रा काल आ गया है कि जैसे ही यात्रा शुरू होने वाली है वैसे ही कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तो उसको देखते हुए हमने जो है आज परिवहन महासंघ की बैठक एक आहूत की गई थी, जिसमें हमारे सुझाव मांगे गए थे समस्त परिवहन संस्थाओं से कि यात्रा काल में यात्रा किस तरह से सुचारू हो सकती है और क्या क्या हमारी मांगे हैं जो हम सरकार से करें कि यात्रा एक मतलब संगठित तरीके से और सुचारू रूप से संचालित हो, तो उसके लिए बैठक। देखिए हमने तो अभी जो मुख्य रूप से हमारा सुझाव आया है कि एक तो हमारे जो बाहर से यात्री आते हैं उनको कोविड की जो रिपोर्ट है कम से कम 5 जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो 5 दिन पूर्व की माननी होनी चाहिए 3 दिन के बजाय। और यदि एक बस में वाहन में पूरा का पूरा ग्रुप कोविड नेगेटिव है आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो उसको पूर्ण क्षमता से संचालित होना चाहिए। अगर हम वो 50% की कैपेसिटी अपनी रखते हैं तो निसंदेह यात्रा इस बार भी संचालित नहीं हो पाएगी। बता दें बैठक में TGMOU के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी, खिलानंद बेलवाल, यातायात के उपाध्यक्ष नवीन रमूला, संचालक दाताराम रतूड़ी, गढ़वाल मंडल टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पाल रावत, टाटा सुमो एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी, यातायात के संचालक हरीश नौटियाल, देवभूमि ऋषिकेश ऑटो रिक्शा के अध्यक्ष राजेंद्र लांबा, इनोवा टैक्सी मैक्सी ऑनर्स के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं बैठक में बस संचालकों का साफ कहना है कि इस साल अगर यात्रा नहीं चलती है तो बस संचालक सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऋषिकेश से न्यूज़ ऑल इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।